क्वेश्चन नंबर 137। 137 में बच्चों अल्कोहल दिया हुआ है, अल्कोहल का एच प्लस के साथ जब हीटिंग करते हैं तो ईवन एलिमिनेशन होता है। ईवन एलिमिनेशन में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन के बाद यहाँ से H2O रिमूव होगा और बनेगा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन अगर मोस्ट स्टेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल हो सकता है तो वो भी करेंगे। तो ये मोस्ट स्टेबल है। E1 हो या E2 एलिमिनेशन हो बच्चों, इसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, तो लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पर होता है वो अल्फा, उसके आजू बाजू वाला बच्चों बीटा। तो हम क्या करेंगे, बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे। जैसे बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ये और एक ये। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट बोला है बच्चों, तो इसीलिए अब हमें इसमें ये भी देखना होगा कि ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है क्या, मतलब GI वगैरह। तो बच्चों टर्मिनल पर यहाँ पर देखिए CH2 हो गया, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन में आइडेंटिकल ग्रुप हो जाने से ये GI शो करेगा नहीं, बट ये GI शो करेगा। तो यहाँ से GI बच्चों दो होंगे, नंबर ऑफ GI दो होंगे, एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। तो ये ट्रांस तो खुद बनाया हुआ है ही, एक सिस भी बनेगा। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ एक्स कितने हो गए, 3 हो गए। ये आपको पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपको क्या करना है, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा में एलिमिनेशन करने हैं, दो प्रोडक्ट बनाने हैं, और अगर GI हो रहा है तो उसका सिस प्लस ट्रांस कर देना है ना बच्चों। तो ये हो गया 3 प्रोडक्ट, लेकिन 3 वाले ऑप्शन तो 3 है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, Br2 में आपको पता है क्या होता है, एंटी एडिशन होता है बच्चों, 1-2 एडिशन होता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, Br ऐड कर दो, कर दिया ऐड। उसके बाद यहां पर भी बच्चों आप Br ऐड कर दो, कर दिया ना। अब हमें ये सोचना है, सिंपल सा तरीका बता रहा हूं आपको। आप Br2 का एडिशन करके प्रोडक्ट बना दो, इससे भी बना दो, इससे भी बना दो, बना दिया। अब ये जो प्रोडक्ट बना, ये जो प्रोडक्ट बना, इसमें अब आप देखो कि क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कायरल सेंटर है तो OI शो करेगा। तो इसमें बच्चों एक कायरल सेंटर है, मॉलिक्यूल है अनसिमेट्रिकल। तो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा होगा, 2^n, तो 2^1 के हिसाब से 2 होगा, मतलब इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, एक R कन्फ्यूगरेशन वाला और एक S कन्फ्यूगरेशन वाला, हो गया ना। अब ये जो है ये दूसरा केस है, सिमेट्रिकल। पहली बात, नंबर ऑफ कायरल सेंटर 2, तो नंबर ऑफ OI का एक फॉर्मूला होता है, 2^(n-1)+(n/2-1)। तो इसमें रखोगे तो 2 - 1 + 2/2 - 1 करोगे तो आपको 3 मिलेगा। तो 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो 5 हो जाएंगे, है ना। तो Y होगा 5, X होगा 3, तो 3-5 वाला आंसर B हो गया। एक तो तरीका देखो बच्चों ये है, दूसरा तरीका है कि हमें पता था कि पहला कंपाउंड ये है, इसमें Br2 का एडिशन करोगे तो ये बनेगा, बनेगा ना, एक कायरल सेंटर है तो 2 बन जाएगा। दूसरा था बच्चों सिस,
सिस में जब हम Br2 का एडिशन करेंगे, Br2 का एडिशन करेंगे तो सिस में, और Br2 कैसा एडिशन करता है, एंटी एडिशन। सिस में जब एंटी एडिशन होता है तो कैसा प्रोडक्ट मिलता है बच्चों, रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर बोला तो दो हो गया, और एक बच्चों ट्रांस। ट्रांस में जब हम एंटी एडिशन करेंगे तो मीजो मिलता है। मीजो और उसका मिरर इमेज क्या होता है बच्चों, आइडेंटिकल होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, तो ये एक ही प्रोडक्ट देगा। टोटल कितने हो गए, पांच हो गए। तो करेक्ट आंसर भी दो तरीका बताया आपको, जो भी तरीका अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 138, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है बच्चों, इसको ध्यान रखना है। ब्रोमीन इज मोर सिलेक्टिव एंड लेस रिएक्टिव, गलत बोला कि सही बोला? ब्रोमीन इज मोर सिलेक्टिव एंड लेस रिएक्टिव, क्लोरीन इज लेस सेलेक्टिव एंड मोर रिएक्टिव। ये बच्चों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बारे में बोल रहा है। आप जानते हो F2, Cl2, Br2 और I2 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर है ना बच्चों, रिएक्टिविटी यही होता है ना, और आयोडीन सबसे कम, ज़रूरत से ज़्यादा कम होता है, ये ज़रूरत से ज़्यादा। तो क्लोरीन जो है मोर रिएक्टिव हो गया, ब्रोमीन लेस रिएक्टिव हो गया, बात सही है। बेंजाइल रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, बेंजाइल वाला होगा ही। बेंजाइल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ पर बच्चों रेजोनेंस हो रहा है, और 2 डिग्री ये जनरली एल्काइल के बारे में बोल रहा है ना, तो इससे ज़्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस वाला। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला बच्चों इसने, विनाइल फ्री रेडिकल। विनाइल फ्री रेडिकल, विनाइल क्या होता है, डबल बोन वाले कार्बन पर जब रेडिकल आता है तो विनाइल बोलते हैं इसको। एलाइल किसको बोलते हैं, CH2 डबल बोन C डबल बोन C KSP3 कार्बन वाले पर आता है तो एलाइल हो गया। तो एलाइल वाले बच्चों रेजोनेंस हो रहा है तो एलाइल वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, जबकि यहाँ पर क्या बोला है, विनाइल ही ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो डी आंसर हो जाएगा। बच्चों इन दोनों की रिएक्टिविटी हम किससे डिसाइड करेंगे, वो बता दिया आपको, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाले से। बेंजाइल ज़्यादा स्टेबल होगा और यहाँ पर एलाइल ज़्यादा स्टेबल होगा, तो गलत स्टेटमेंट डी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 139 में कहता है कि इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो CO2 नहीं देगा जब हम उसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे। बच्चों जब हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं है ना, तो देखिए यहाँ पर एक टर्मिनल में एक कार्बन है CH2, तो ये टर्मिनल ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यदि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन हो तो इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, और दोनों को काट करके एसिड बना दो, इसको भी एसिड बना दो, यही होता है ना। और यदि बनने वाला एसिड फॉर्मिक एसिड हो, बनने वाला एसिड क्या हो बच्चों, फॉर्मिक एसिड हो, तो ये जो फॉर्मिक एसिड है यही डिकम्पोज हो जाता है CO2 और वाटर में, बोले तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो कौन CO2 देगा ये कॉन्सेप्ट कैसे पता करें, तो जिसके टर्मिनल में एक कार्बन होगा, जैसे देखिए यहाँ पर CH2 है ना, इसको जैसे ही आप काटोगे तो ये एक कार्बन वाला कौन सा एसिड फॉर्मिक बनेगा, फॉर्मिक बनेगा तो ये CO2 में टूट जाएगा। यहाँ देखो बच्चों टर्मिनल पर एक CH2 है और हाइड्रोजन भी है, यहाँ से इसको जैसे ही ऑक्सीडाइज करोगे फॉर्मिक बनेगा, और फॉर्मिक फिर से ऑक्सीडाइज होकर के CO2 देगा। यहाँ देखो टर्मिनल पर CH2 है, करो ऑक्सीडाइज, फॉर्मिक बनेगा और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के CO2 बनेगा। यहाँ से बच्चों ये और ये टूटेगा,
और फर्दर क्या होगा, इस तरह से एसिड बन जाएगा। हाँ एसिड बनेगा, सही बात, सही लिखा। बट ये CO2 कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि CO2 कौन सा कन्वर्ट होता है, फॉर्मिक एसिड। तो इधर वाले दूसरे टर्मिनल से क्या बनेगा, दूसरे टर्मिनल से बच्चों यहाँ पर भी एसिड बनेगा, सक्सिनिक एसिड बनेगा और ये ऑक्जेलिक बना। खैर तो कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया, कॉन्सेप्ट ये है कि यदि टर्मिनल डबल बॉन्ड के, यदि डबल बॉन्ड के कार्बन में हाइड्रोजन हो तो एसिड बनेगा, यदि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन में केवल एक ही कार्बन हो, बोले तो टर्मिनल कार्बन हो, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन टर्मिनल कार्बन हो तो वो फॉर्मिक एसिड बनाएगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के बाद, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के बाद फॉर्मिक एसिड बनाएगा और वो फर्दर टूट जाएगा किस में, CO2 में। तो इसके पास भी टर्मिनल, इसके पास भी टर्मिनल, इसके पास भी टर्मिनल, इसके पास नहीं, तो यही हो जाएगा आंसर।